भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। याद रखें, पढ़े लिखे लोग, जिन पितरों का तर्पण नहीं होता, जिन पितरों का श्राद्ध नहीं होता, वो पितर तड़पते हैं पितृलोक में और वो अशांत कर देते हैं तुम्हारी लाइफ को। देवताओं से भी पहले पूजा करनी चाहिए पितरों की, ये सावधानी पूर्वक समझ लो। तुम्हारी सासू, तुम्हारे ससुर जी जब तक न जाएं, उनसे सीख लो कौन सी तिथि को किसकी श्राद्ध होती है। और सीखो, जीवन भर याद रखो, वो दुनिया में कोई पूजा हो ना हो, अपने पितरों की पूजा जरूर। आपके पितर शांत हो गए तो कोई भी देवता आपको खुश नहीं कर सकेगा, छुट्ट भगवान को। भगवान तो फिर सर्वोपरि है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज, पितरों का जब श्राद्ध करते हैं, भागवत सुनवाते हैं, और एक बहुत बड़ा प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है, कर रहा हूं, सब समझ लें, इसका आंसर जीवन भर रखें अपने पास संभाल कर, कि महाराज हम भागवत कराते हैं तो भागवत में पितरों की मुक्ति हो जाती है, तो पितरों की मुक्ति हो जाती है तो फिर पितरों का श्राद्ध करने से क्या फायदा। हम गया में करके आ जाते हैं अपने पितरों को, फिर पितरों का श्राद्ध करने से क्या फायदा। बड़े ध्यान से सुने इस बात को, जिन कार्यों से पितरों की मुक्ति होती है, तो मुक्ति कहते किसको है? मुक्ति का मतलब है जिसकी मुक्ति होती है वो भगवान में जाके समा जाता है, परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा में ही समाहित हो जाता है। और जब परमात्मा में समाहित हो जाता है, तो जब आत्मा हमारे पितरों की परमात्मा में समाहित होती है, तब परमात्मा ही हमारे पितर बनकर हमारी सारी चीज स्वीकार करते हैं। उससे हमें क्या फायदा? तुम्हें फायदा है, जब तक परमात्मा तुम्हारे पितर बनकर वो सब स्वीकार करते रहेंगे, तुम्हारे परिवार में कभी भी न तो अशांति होगी, न धन की हानि होगी, न वंश में हानि होगी। वंश भी रुकने वाला नहीं है, वंश भी चलता रहेगा। आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े धनवानों के वंश नहीं चलते, क्यों नहीं चलते? बहुत बड़े धनवान व्यक्ति मैंने देखे हैं, धन तो बहुत है पर वंश चलाने वाला कोई नहीं। वजह, उनके पितर शांत है। पितर शांत होंगे तो आपका वंश नहीं चलने देंगे। बड़े सावधानी पूर्वक समझने योग्य बात है। इसलिए देवताओं से भी पहले पितरों की पूजा करनी चाहिए, एनी हाउ, कुछ भी करके।